गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा है, आप इंजॉय कर रहे होंगे अपनी छुट्टियों को और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज क्लास वन के लिए हिंदी में है पर्यायवाची शब्द, धरती का है। पर्यायवाची शब्द पहले होते क्या हैं? देखिए, पर्यायवाची शब्द होते हैं जो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे धरती का, जैसे समान ही शब्द होगा, जैसे धरती का भू, भूमि, धरा, माता का माँ, अम्बा, जननी, आँख का नेत्र, नयन, चक्षु, सूर्य का सूरज, दिनकर, दिवाकर, वृक्ष का पेड़, तरु, विटप, चंद्रमा, शशि, इंदु, चांद, गुरु का शिक्षक, अध्यापक, आचार्य, रात का रात्रि, निशा, रजनी, आग का अग्नि, अनिल, पावक, हवा का अनिल, वायु, समीर। तो ये जो पर्यायवाची शब्द हैं, इनको आप राइट डाउन करिए अपनी नोटबुक में, और इसके नीचे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब इंग्लिश में क्लास वन के लिए आज है कुछ वर्ड्स हैं और उनकी मीनिंग्स है। जैसे मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग आपको पता ही है, सुबह। आफ्टरनून, दिन का समय। इवनिंग, EVENING, इवनिंग यानी शाम का समय। टुडे, TODAY, टुडे मतलब आज का दिन। TOMORROW, टुमारो मीन्स आने वाला दिन, मतलब जो कल आपका दिन आएगा। YESTER, यस्टरडे, बीता हुआ दिन, जो दिन बीत चुका है। जैसे आज मंडे है तो बोलेंगे टुडे इज मंडे, और कल ट्यूसडे था तो बोलेंगे टुमारो इज ट्यूज ट्यूसडे कल आएगा तो बोलेंगे ट्यूसडे, टुमारो इज ट्यूसडे, कल ट्यूसडे है, मंगलवार है। यस्टरडे वॉज संडे, कल संडे था, यानी संडे अब जा चुका है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको आप अच्छे से करिए। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग तो आपको आता है, लेकिन टुडे, टुमारो, यस्टरडे को अच्छे से याद कीजिए और इनके स्पेलिंग भी याद कीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं मैथ्स में। मैथ्स में एडिशन तो आपने किए थे, अब आज प्लस वाले एडिशन करेंगे। प्लस वाले प्लस तो करेंगे और साथ में कैरी, जिसमें कैरी का भी यूज़ करेंगे। जैसे सिक्स है, आपने सिक्स लाइन खींची, 1 2 3 4 5 6, और 4 1 2 3 4, 4 खींची, 6 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 आ गया। 10 का 0 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर कैरी में आ जाएगा। ऐसे इधर फिर 9 है, 9 को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 3 है, 9 के बाद 10 11 12, 3 लाइन्स खींच के इनको काउंट, 9 और 3 हो गया 12, 12 में फिर 1 कैरी प्लस करिए तो हो गया 13। ऐसे इधर 3 है, 3 लाइन्स खींचे, 7 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कैरी 1 किया, 5 1 2 3 4 5 2, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 कैरी काउंट करिए तो हो गया 8। तो ऐसी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 5 और 8 हो गया 13, 1 कैरी, ऐसी 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 9 और 2 11, और ये मिला है 1 कैरी 12। ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 9 10 11, 9 और 2 11, 11 नहीं लिखेंगे पूरा, 11 का 1 और 1 कैरी ऊपर आ जाएगा। ऐसी 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, और 1 कैरी मिलाया 7। तो इस तरीके से ऐड थे, आपको पूरा काउंट नहीं करना है, जो 9 के बाद जितने ऊपर के नंबर होंगे, जैसे 10 से शुरू हो जाएंगे नंबर, तो उनमें कैरी काउंट होगा। पहला वाला नंबर आप नीचे लिखेंगे और सेकंड वाला नंबर, जैसे आपका 12 आया, माना किसी को काउंट करके, तो 2 नीचे लिखा जाएगा और 1 ऊपर कैरी में आ जाएगा। तो ये आपके लिए कुछ होमवर्क है, इसको करिए अपनी नोटबुक में। और EVS में आ जाते हैं आज फूड आइटम्स। फूड आइटम्स जो हम रोज डेली चीज़ें खाते हैं, जैसे चपाती, CHAPATI, चपाती। अब रोटी खाते हैं, दाल, DAL, दाल। राइस, RICE, राइस यानी चावल। ब्रेड, BREAD, ब्रेड, ब्रेड, आप बताइए डबल रोटी आप खाते हैं। बटर, BUTTER, बटर यानी मक्खन। MILK, मिल्क
पता है आपको, दूध, ई जी जी एग, एग अंडा, सैंडविच SANDVICH, सैंडविच, आप ब्रेड का बना के खाते हैं सैंडविच, डोसा DOSA, डोसा। तो ये कुछ फूड आइटम्स थे, इनको अपनी कॉपी में राइट और करिए और लर्न भी कीजिए। ओके बाय किड्स।